नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राज्यसभा से ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया, अब कानून बनने का रास्ता साफ हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना बीजेपी के दफ्तर में, जहां कुछ मुस्लिम महिलाएं आई हैं और जश्न मना रही हैं जिस तरीके से मोदी सरकार ने इस बिल को पास करवाया। हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे बात करें। कितनी खुश हैं आप जिस तरीके से ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ? हम बहुत खुश हैं। जिस तरीके से अब 3 साल तक की सजा होगी, इससे आप कितने उत्साहित? चलिए, 3 साल की सजा ठीक ही समझिए, लेकिन हम तो और चाहते हैं कि और ज्यादा ही हो। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। ये जो बिल पास किया गया है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। और बोला गया मतलब कि जो भी डिसीजन लिया गया वो बहुत ही सही है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ये होना चाहिए था, काफ़ी टाइम से ये चल रहा था, ये हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, थैंक यू बोलना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे, रविशंकर को भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो इन्होंने बिल पास करवाया और इस चीज़ पर डिसीजन लिया, ये बहुत अच्छी बात है। सरकार को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी इस कानून को पास करवाने। जी, लड़ाई लड़नी पड़ी थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो सही है, आगे अच्छा होना चाहिए। आप आइए इधर और बताइए कि कितने खुश हैं, उत्साहित हैं ये बिल जो पास हुआ है। उसी की बात है कि ये तीन क्या आ गया, ये बहुत अच्छा लगा और इसमें भी हम सहमत हैं। ये जो हुई है काम तो बहुत अच्छा हुआ है सर, हम लोग इसमें खुशी हैं। चलिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय के बाहर मुस्लिम महिलाएं आई हैं और लगातार जश्न मना रही है। हम कुछ बीजेपी के लोगों से भी बात करेंगे। सर, मुस्लिम महिलाएं आज बीजेपी दफ्तर आकर जश्न मना रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुसलमान महिलाओं के लिए कल का दिन था वो ऐतिहासिक दिन था। कल एक ऐसा दिन था जो सदियों से जो उनकी आवाज़ को दबाया जाता था और जिस तरह से उनको अंधकार में रखा जाता था और एक ऐसी जो बर्बर कानून थी उस कानून को ओवरटर्न करते हुए पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जो ट्रिपल तलाक ऐसा कानून पास किया जिससे वो ट्रिपल तलाक जो अभी तक पद्धति थी वो उसको समाप्त कर दिया गया। तो उनके लिए तो बहुत खुशी का दिन है, स्वाभाविक है। उनको समान अधिकार मिले, उनको एक मजबूत आवाज़ मिले, उस दिशा में बहुत बड़ा कदम था। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं इन महिलाओं के तरफ से और देश के तमाम जो दबे हैं, कुचले हैं, उनके तरफ से हम उनका आभार प्रकट करते हैं। ये मोदी को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था, बार बार ये राज्यसभा में जाकर अटक जा रहा। देखिए, लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, एक अंग्रेजी में कहावत है, अंत भला तो सब भला। चलिए, अंत भला तो सब भला। आप देख सकते हैं एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया था कि ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो बीजेपी के दफ्तर पे आई हैं और आभार प्रकट कर रही हैं। थोड़ी देर पहले इन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई और अबीर गुलाल भी चलाए। पटना बीजेपी दफ्तर के अंदर ट्रिपल तलाक जिस तरीके से पास हुआ उसको लेकर कई मुस्लिम महिलाएं आई हैं और आभार प्रकट करी हैं, एक दूसरे को अबीरें भी लगाई और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।